खान पान के लिए मशहूर इंदौर के रेस्टोरेंट्स अब जल्द ही अपने लजीज व्यंजनों के साथ गुलजार दिखेंगे। एक बार फिर से लोग यहां शानदार जायके का लुफ्त उठा सकेंगे। जी हां, जिला प्रशासन जल्द ही शहर के रेस्टोरेंटों को डाइनिंग की अनुमति देने जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था, जिससे देश भर में लगभग सभी गतिविधियां थम सी गई थीं और सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। सरकार अब धीरे धीरे स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रही है। सरकार ने अनलॉक में रेस्टोरेंट और होटल्स खोलने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन रेस्टोरेंट और होटल्स में ग्राहकों को बैठाकर खाना खिलाने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है, जिसके कारण कई बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट के व्यापार पर बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। ऐसे में अब रेस्टोरेंट संचालक उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही सरकार इन्हें पूरी तरह से खोलने की अनुमति दे, ताकि एक बार फिर इनका व्यापार पटरी पर लौट सके। इसी को लेकर गुरुवार को कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में रेस्टोरेंट और होटल संचालकों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें रेस्टोरेंट और होटलों में ग्राहकों को बैठाकर खाना खिलाने की अनुमति देने पर चर्चा की गई। कलेक्टर साहब ने हम लोगों की बात को बहुत अच्छे से सुन लिया। उनका ये आश्वासन है कि बहुत जल्दी एक या दो दिन के अंदर रेस्टोरेंट की डाइनिंग की जो अनुमति पेंडिंग है वो चालू कर दी जाएगी और हमें दोबारा एक जवाबदारी देते हुए कि हम लोग किसी भी प्रकार का नियम का वायलेशन ना होने दें, सभी सदस्यों को ये समझाइश दें। इसमें आदरणीय मेहता जी जो हमारे पुराने अध्यक्ष रहे हैं और सीनियर सदस्य भी हैं होटल एसोसिएशन के, तो मेहता जी को और मुझे ये दायित्व सौंपा गया है कि सभी लोगों को बुला करके एक मीटिंग कर ली जाए रेस्टोरेंट और होटेलियर्स की, ताकि COVID-19 के लिए जो समझाइश देनी है वो समझाइश दे करके सभी होटेलियर जैसे अभी तक सपोर्ट करते रहे हैं शासन का, वैसे चालू होने के बाद भी समर्थन में बने रहें। दूसरा, साहब का कलेक्टर साहब का बहुत ही पॉजिटिव रुख था इस चीज़ के लिए कि रेस्टोरेंट को खोलना चाहिए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी ने सबसे पहले COVID-19 के समय मदद करी थी। उस बात को आज उन्होंने एक्नॉलेज भी किया और ये वायदा किया है कि जल्दी ही एक दो दिन के अंदर रेस्टोरेंट में डाइनिंग की अनुमति चालू कर देंगे। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। देखिए, उसमें बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा है। अभी इसमें जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की उप समिति है, उस सदस्य में चर्चा करूंगा मैं, और अगर उनकी सहमति होगी तो डेफिनेटली मैं उसको चालू करने के लिए बात करूंगा। हाँ, जल्दी चालू करेंगे इसको। पहले मैं बात कर लूँ जरा जो क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के जो मुख्य समिति है उसकी उप समिति के सदस्यों से बात करके फिर हम इसको निर्णय लेंगे। बार के मसले में तो अभी जो यहाँ अनुमति दी गई है प्रदेश में, वहाँ बार नहीं चालू हुई है, क्योंकि इनका टैक्स उस समय के लाइसेंस फी को माफ़ करने का इशू चल रहा है, और रेस्टोरेंट चालू होंगे तो डेफिनेटली बार उसमें इंक्लूडेड रहता है, तो उसमें बार सम्मिलित रहेगा उसमें। दरअसल इंदौर का नाम पूरे देश में खान पान के कारण ही पहचाना जाता है। शहर में कई ऐसे बड़े बाजार हैं जो कि खान पान की दृष्टि से मशहूर हैं और पर्यटक भी यहां पर इन्हीं रेस्टोरेंट्स के लिए आते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण एक और जहां पर्यटन पूरी तरह से बंद है, वहीं स्थानीय लोग भी खान पान के लिए इन रेस्टोरेंट तक नहीं पहुँच रहे हैं। इंदौर से MP News के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।